अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने फेसबुक की ऐप को कैसे डिलीट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन में से आपने सबसे पहले अपने फेसबुक की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सबसे ऊपर थ्री लाइनें दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और नीचे चले जाना स्क्रॉल डाउन करके। सबसे नीचे लॉगआउट के ऊपर एक ऑप्शन है सेटिंग एंड प्राइवेसी का, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। फिर से आपको सेटिंग ऑप्शन नज़र आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी जिसके ऊपर अकाउंट के नीचे लिखा होगा पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर आपने एक को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन नज़र आएंगे, सबसे एंड वाला ऑप्शन है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, इसके ऊपर आपने एक क्लिक करना है। इसके बाद ये विंडो ओपन होगी। दूसरा ऑप्शन है डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन, इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक ऑप्शन है अकाउंट को डीएक्टिवेट करने का और दूसरा ऑप्शन है अकाउंट को डिलीट करने का, यानी कि परमानेंटली अगर आप अपनी फेसबुक को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप डिलीट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल मैं अपने अकाउंट को डिलीट नहीं कर रहा, मैं आपको जस्ट डीएक्टिवेट करने का तरीकाकार बता रहा हूँ। डीएक्टिवेट करने के लिए आपने डीएक्टिवेट को सिलेक्ट करने देना है, कंटिन्यू एंड डीएक्टिवेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप कह रहे हैं कि अपना जो पासवर्ड है फेसबुक का वो यहाँ पर लिख दीजिए। मैंने पासवर्ड लिख दिया और कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। अभी हमें कह रहा है, ये काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि आप इनमें से कोई एक ऑप्शन क्लिक सेलेक्ट कीजिए जिसकी वजह से आप अपनी फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर रहे हैं, सॉरी डीएक्टिवेट कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है कि दिस इज़ टेम्प्रेरी आई विल बी बैक, दूसरा है आई हैव ए प्राइवेसी कंसर्न। आप सारे पढ़ सकते हैं, अभी मैं पढ़ूँगा तो लंबी हो जाएगी वीडियो। इनमें से आप कोई एक भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अभी हमें कह रहा है कि दूसरी जहां पर भी आप लॉग इन है वहां से आप लॉग आउट होना चाहते हैं ये वो, बट हम इसको 7 डे को करेंगे। डोंट रीएक्टिवेट ऑटोमेटिकली, जब तक मैं ना चाहूँ ये, जब तक मैं इसको एक्टिवेट ना करूँ ये एक्टिवेट ना हो। इसके अलावा हमने किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ना, आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है और नीचे चले जाना है। ऑप्शन एंड पे डीएक्टिवेट माई अकाउंट, ये हमारे पेज दिखा रहा है कि इन पेज को आपने कुछ करना है, एडिट किसी और का एडमिन बनाना है या मैसेंजर कुछ करना है। आपने इनमें से किसी चीज़ को मत छेड़िएगा, आपने जस्ट क्लिक कर देना है डीएक्टिवेट माई अकाउंट पे। डीएक्टिवेट माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको आगे ऑप्शन नज़र अकाउंट डीएक्टिवेशन सक्सेसफुल, जैसे कि हमारा अकाउंट कामयाबी के साथ डीएक्टिवेट हो चुका है। अभी वापस आने के लिए जब भी आप अपनी आईडी और पासवर्ड लगाएंगे आप अपने अकाउंट पर एक्टिव हो जाएंगे। ये था अकाउंट डीएक्टिवेट करने का तरीका एंड्रॉयड मोबाइल से।